पढ़ाई में वे खर्च करते हैं। एक विश्वास के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपको अध्ययन के लिए भेजा है, और मैं भी जब परिचय आपका ले रहा था तो मैं देख रहा था कि प्रदेश के जो प्रतिष्ठित जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनमें सब आप अध्ययन कर रहे हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके माँ बाप प्रतिदिन आपके पास नहीं रह सकते। राज्य के स्तर पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके साथ संवाद बना करके अगर कोई लोकल इश्यूज हैं, आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या का वह समाधान करें और आपको सुरक्षा भी उपलब्ध कराएं, अपने स्तर पर जो भी संभव सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में योगदान करें, क्योंकि अंततः राज्य हमारे अलग अलग हो सकते हैं, धर्म मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सब अंततः हैं हमारे बच्चे, इसलिए आपको स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए मैंने पहले भी निर्देश जारी किए थे और मैं पिछले कई महीनों से इस बारे में सोच रहा था कि हम लोग इस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, लेकिन मेरी स्वयं की व्यस्तता, उत्तर प्रदेश की आबादी अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है, 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ आबादी के हितों का संरक्षण करना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर बना करके प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी मिल सके, इस दृष्टि से एक अभियान को आगे बढ़ा करके रुकी भी विकास की दर को फिर से स्थापित करते हुए हम उत्तर प्रदेश को जहां विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाएं। विगत 2.5 वर्ष के अंदर हमने इसमें से काफी चीजें अचीव की हैं और एक अच्छी दिशा में उत्तर प्रदेश को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। मेरे पास अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने अब उन सभी लोगों के साथ संवाद स्थापित बनाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की है, और आज मुझे प्रसन्नता है कि ये संवाद की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अपने छात्र छात्राओं के साथ मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं। देखिए, हम सब अपनी बात को मेरे सामने बहुत शालीनता के साथ अपनी बात को रखने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य के स्तर पर आपके गार्जियन के रूप में भूमिका मेरे पास है और मुझे भूमिका को देखना है कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। आपके पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिसको बोलने में अक्सर आप संकोच करते होंगे, केवल आप ही के लिए नहीं, ये हमारे साथ भी होता है। आपकी जगह मैं होता, मेरे सामने भी संकोच होता। मैंने अभी हाल ही में, आपने देखा होगा, इसी महीने मैंने 3 चरणों में आई एम लखनऊ के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल को बिठाया। मंत्रिमंडल को बिठाने के साथ ही अपने जितने भी हमारे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एचओडीज थे, इन सबको ही मैंने आयन के साथ बिठाया। बिठाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि बहुत सारी समस्याएं संवादहीनता के कारण पैदा होती हैं, हम संवाद स्थापित कर सके। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी हम लोगों ने ये संवाद जब बनाया तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही आप देखेंगे बहुत अच्छे लक्ष्यों को हमने वहां प्राप्त किया। केवल 3 सीटिंग हमारी आयन के साथ हुई है लखनऊ में,
जब व्यक्ति अकेले सोचता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कितना भी ब्रिलियंट हो लेकिन उसकी क्षमता सीमित होती है। लेकिन जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं और एक सार्थक दिशा में सभी नकारात्मकताओं को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ता है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। और उस ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए ही कि कैसे हम स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान करें, हो सकता है कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर आपसे जुड़ी भी समस्याएं होंगी उसका समाधान। हो सकता है आपको बोलने में संकोच होता होगा, हो सकता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार आप जैसे छात्र छात्राएं फेल होने के भय से अपनी बात को बंद करके रख देते हैं, नहीं बोल पाते हैं, अपनी आवाज को नहीं उठा पाते हैं। लेकिन शालीनता से अगर एक मंच पर आवाज उठती है तो स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं का समाधान भी उस स्तर पर किया जा सकता है। या बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप समय पर नहीं पहुंचती है, उसका क्या कारण है, उसका समाधान का कोई एक रास्ता निकाला जा सकता है। सरकार उसमें पहल करे, सरकार उसमें सहयोग करे, उस समस्या का समाधान का रास्ता निकाले। ये चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो जो जमी भी बर्फ है वो पिघलेगी, तो व्यक्ति एक संवाद स्थापित करेगा और उस संवाद उन समस्याओं का समाधान जो जड़ता है, जो जकड़न है, उसको दूर करके उसे आगे बढ़ाएगा एक बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। उस समस्या का समाधान की दिशा में हम एक बेहतर पहल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम भारत सरकार के संज्ञान में ला करके वहां से समाधान करवाने में योगदान दे सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ, शासन के साथ इस समस्या को शेयर करके उस समस्या का रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी तो हम सबके सामूहिक है। हम एक साथ मिलकर के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और उस प्रक्रिया का पार्ट कैसे बन सकते हैं, इस दिशा में यह संवाद हमने प्रारंभ किया है। यद्यपि मैं विगत वर्ष गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में गया था और नोएडा में जाने का मेरा उद्देश्य यही था कि वहां पर बड़ी मात्रा में देश के अन्य राज्यों के साथ साथ कुछ विदेशी छात्र भी थे। मुझे इस वर्ष भी जाना था लेकिन मेरे पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, विश्वविद्यालय प्रशासन ने देर में संपर्क किया, मैं समय नहीं निकाल पाया। लेकिन एक संवाद बहाली की दिशा में एक बेहतर प्रयास करना, दूसरा बाहर से आने वाले किसी भी छात्र छात्रा को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराना, उनसे जुड़े हुए इश्यूज पर किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाला हर नागरिक और छात्र को किसी संस्थान में कार्य करने वाला किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी हो या कोई भी कर्मी हो या फिर यहाँ पर आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए सुविधा और सुरक्षा, ये हमारा शासकीय दायित्व ही नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है।